दोस्तों नमस्कार। देखिए, मेरे पास एक अपना सेंसुई का एलसीडी आया था 22 इंच रिपेयरिंग के लिए। दोस्तों अभी जो मेरे पास आया है, इसका दो प्रॉब्लम है। एक तो ये जल्दी स्टार्ट नहीं होता, स्टैंड बाई से जल्दी निकलता नहीं है, थोड़ा वक्त लेता है निकलने के लिए। लेकिन जब चालू होता है तब इसकी जो आवाज़ है वो भी बहुत कम आती और आवाज़ ख़राब भी आती है। तो ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। इसमें खोलने के बाद हमें पता चलेगा इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए हम इसको पहले खोलते हैं। मैंने अभी खोला उसको, तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो मदरबोर्ड आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो बहुत पुराना है, 10-12 साल का एलसीडी होगा ये, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मदरबोर्ड है, यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसके पावर सप्लाई के, तो वो फूल गए ऐसे लग रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं अभी मदरबोर्ड को खोलता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से कैपेसिटर ख़राब हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमें मेन कैपेसिटर मिला जो ख़राब है, उसको पहले चेंज करेंगे। उसके बाद जो जो ख़राब होगा, तो आप देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, कौन कौन से पार्ट ख़राब होने से ऐसा प्रॉब्लम आता है एलसीडी में, जो कि एलसीडी जल्दी स्टार्ट नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जो कैपेसिटर है वो ख़राब है। तो पहला तो हमें मेन कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा, जो 450 वोल्ट शंबर यूएफ का है, तो इसको चेंज करेंगे। ये जो पीसीपी है, ये दोनों साइड से होती है, थोड़ा सा कैपेसिटर निकालने में तकलीफ़ होती है, थोड़ा सा धीरे से निकालना पड़ता है। तो चलिए हमें तो कैपेसिटर लगाना है। तो इस तरह से हम कैपेसिटर को निकाल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कैपेसिटर निकाला, और यहाँ पर देखेंगे कि जो नया वाला कैपेसिटर है कौन सा लगाना पड़ेगा हमें। तो उस तरह से हमें एक कैपेसिटर निकालना है और दूसरा लगाना है। तो यहाँ पर हम जब ना दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे, तो उसके पॉइंट्स पहले हमें साफ़ करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो आते हैं दोनों साइड से होता है पीसीपी, तो धीरे से हमें वो निकालना पड़ेगा सोल्डरिंग को। ये देखिए, डिसोल्ड वायर से हमें उनको साफ करना है पहले, जो कैपेसिटर के पहले होल है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं एलसीडी एलईडी टीवी में, तो हर एक प्रॉब्लम का मेरे चैनल पे आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, और मैंने उस टाइप के वीडियो भी डाले हैं मेरे चैनल पे। तो आप प्लीज़ चैनल को विजिट दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो वीडियो चाहिए वो सब मिल सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिएगा और वीडियो देखिएगा, और अच्छे वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन ये बढ़ जाता है और हमें अच्छा लगता है। तो हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है, तो इसीलिए प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए अभी जो मैंने कैपेसिटर डाला है वहाँ पर, थोड़ा अलग टाइप का है लेकिन वहाँ पर चलेगा क्योंकि 450 वोल्ट होना ज़रूरी है। ओके, अभी ये इसको सोल्डरिंग करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमें अच्छी तरह से सोल्डरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि लूज या कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर, देख सकते हैं आप। ये जो प्रॉब्लम आते हैं आवाज़ ख़राब होना या आवाज़ धीरे से आना, कम आवाज़ आना या स्टैंड बाय से जल्दी नहीं निकालना टीवी को, ये सारे जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर कैपेसिटर के होते हैं। तो ये कभी भी अनुभव से ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। कभी कभी कैपेसिटर दिखने में ख़राब दिखते नहीं हैं लेकिन ख़राब होते हैं, तो उस तरह से हमें चेक करके उसको चेंज करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जो पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है, मैं आपको बताया था कि इसका और एक प्रॉब्लम है लेट चालू होने का। तो ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर ख़राब हो चुके हैं, तो ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1016 का जो कैपेसिटर है वो ख़राब हो चुका है, उसको भी हम चेंज करेंगे। ये जो मदरबोर्ड आता था पहले एलसीडी टीवी को, बहुत अच्छा मदरबोर्ड था और सक्सेसफुली मदरबोर्ड था। ये देखिए जब ये टीवी मेरे पास रिपेयरिंग के लिए अभी आया है, ये सबसे अच्छी बात है कि पहली बार मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया है और पहली ही बार खोला है। इससे पहले ये टीवी कभी रिपेयर नहीं हुआ, पहली बार इसको ये ख़राब हो चुका है। मतलब उसका 10-12 साल चलने के बाद ये प्रॉब्लम आया है सबसे पहली बात। मतलब इतने दिन चलता है ये एलसीडी टीवी था और अभी भी चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यही था, आवाज़ ख़राब आ रहा था और चालू होने में कम से कम 10-15 मिनट लेता था, नहीं तो अभी भी बंद नहीं हुआ था पूरी तरह से ये। लेकिन अभी जब हम इसका काम करेंगे तब इसकी जो आयु है और बढ़ेगी और ज़्यादा तरह से अच्छा चलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक दूसरा कैपेसिटर उसको भी चेंज करें, वो भी वही वैल्यू का है, वो भी ख़राब हो चुका है। मैं लाइव वीडियो निकलता हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है और मैं ज़्यादातर वीडियो कट नहीं करता क्योंकि कट करने से ज़्यादातर प्रॉब्लम समझ में नहीं आता। तो जितना कोशिश हो सकते ही मेरी उतना मैं वीडियो ज़्यादा करने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं अभी दूसरा एक कैपेसिटर ले आया हूँ और ये कैपेसिटर चेंज करेंगे।
और जो दोनों कैपेसिटर हमने नए डाले हैं उसको भी सोल्डरिंग कर देंगे। उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम है वो हम दिखाते हैं अभी सॉल्व होता है या नहीं होता है, तुरंत चालू होता है या नहीं होता है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम होते हैं ये सब बहुत अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आते हैं। जब आप कभी टेक्नीशियन नए हो गए तो ये प्रॉब्लम आपको आते हैं रहेंगे और अलग अलग आते रहेंगे। तो ज़्यादातर से आपको जब अनुभव आएगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा क्या 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 प्रॉब्लम होने से क्या क्या चेंज करना पड़ता है। तो हमारा 24 साल का अनुभव अभी तक आया है, तो इसमें पहले तो एलसीडी एलईडी टीवी या एलसीडी टीवी नहीं थे, अभी 10-15 साल से आया ही, तो उस हिसाब से अपडेट भी होना पड़ता है, उसका अभ्यास भी करना पड़ता है। तो उसके बाद ही हमें ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए, हमने अभी जो कैपेसिटर बदल दिए हैं सब, तो इसके जो नट्स स्क्रू है सब लगा देते हैं और एक बार आपको चेक करके दिखा देते हैं कि अपना टीवी चालू होता है नहीं लगे तुरंत, क्योंकि पहले बहुत टाइम लगता था। और जो आवाज़ का प्रॉब्लम है ये भी 100% सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने आवाज़ आपको जो आवाज़ लगाएंगे तो ये आवाज़ सुना नहीं सकते, क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आता है, इसलिए हम आवाज़ नहीं सुना सकते, लेकिन टीवी चालू करके दिखा सकते हैं। ओके, ये जो कनेक्टर स्पीकर के वायर है, कीबोर्ड के वायर है, वो लगा देते हैं यहाँ पर कंप्लीटली। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ा बाद में फिट करेंगे जब वीडियो को पूरा हो जाएगा तब। उसके अभी देखिए, मैंने ऑडियो वीडियो के जो वायर है ए बी के लगा दिए हैं। यहाँ पर देखिए अपना टीवी चालू हो चुका है, तुरंत अभी चालू हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम था, ऐसे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाते हैं कैपेसिटर चेंज करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। We'll be right back.